अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 50 है। तो आज की इस वीडियो में हम डॉम सीएसएस स्टाइलिंग मेथड को देखेंगे कि डॉम में हमारे पास सीएसएस को स्टाइल करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो है वो टोटल तीन मेथड आते हैं। पहला जो है वो हमारे पास स्टाइल, दूसरा हमारे पास क्लास नेम और तीसरा हमारे पास क्लास लिस्ट। ये हम इन तीनों को वन बाय वन देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं वीएस कोड में और इन तीनों मेथड को हम प्रैक्टिकल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने वही डॉक्यूमेंट जो हम अपनी पिछली वीडियो में जिसमें प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट और जेएस की फाइल है जिसमें हम जो है टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें से अभी मैं ये सारा जो है वो रिमूव कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल एज और डिलीट कर दिया। और ये जो हमारे पास एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है ये मेरे पास यहाँ पे ब्राउजर में ओपन है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन है यहाँ पे। अब हम इस पे जो है डॉम के सीएसएस स्टाइलिंग मेथड देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड पहला हमारे पास जो मेथड है वो है स्टाइल। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक डिव है, उस पर आईडी लगी हुई है हेडर, और यहाँ पे हेडर के अंदर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट है जिसमें मैंने जो है वो बॉर्डर सेट किया हुआ है रेड कलर का। अब यहाँ पे चलते हैं टेस्ट डॉट जेएस की फाइल में। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले हम स्टाइल मेथड को यूज करके यहाँ पे स्टाइल में जो वैल्यू सेट है उसको गेट करना सीखेंगे। बाद में अगर हमने इसको स्टाइल में यूज कर एक वैल्यू सेट करनी है कोई, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एलिमेंट, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे नीचे अब मैं क्या करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जो स्टाइल है उसमें कौन सी वैल्यू सेट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट, पहले मैं उसको टारगेट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैं क्वेरी सिलेक्टर लिखूंगा। ये क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है मैथड, ये दोनों हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया, वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर मैंने सीएसएस का सिलेक्टर देना होता है, तो मैं कौन सा सिलेक्टर दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा, मैं इसको आईडी के बेस पे जो है वो टारगेट करना चाह रहा हूँ, जो आईडी है हेडर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, आईडी के लिए आपको पता है हैश लगाना होता है, तो यहाँ पे मैं हैश लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडर। अब डॉट यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टाइल, डॉट स्टाइल यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल। अब स्टाइल यहाँ पे देखिए, स्टाइल में मैंने बताना है कि यहाँ पे देखिए हेडर में अब जो स्टाइल सेट है इसमें मैंने बॉर्डर सेट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि स्टाइल के अंदर जो बॉर्डर है मैंने वो कट करना है। तो स्टाइल डॉट यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ये स्टाइल डॉट बॉर्डर की जो वैल्यू आएगी वो मैंने इस वेरिएबल में मैं सेव करवा लेता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट इक्वल टू, तो इसमें आ जाएगी। अब इस एलिमेंट को मैं कंसोल में प्रिंट करवा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं इस एलिमेंट वेरिएबल को प्रिंट करवा दूंगा। अभी देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या गट करके हमें ये ला के देता है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं करता हूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट, और यहाँ पे मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि हमें स्टाइल ने क्या ला के दिया है बॉर्डर में से। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ कंसोल में। अब यहाँ पे देखें, ये 1 पिक्सल सॉलिड रेड जो कि हमारे पास यहाँ पे सेट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल में जो हमारे पास सेट था बॉर्डर, वो हमने इसने जो है हमें ला के रिटर्न कर दिया। अब ये तो आपको हमने देख लिया कि हम गेट कैसे कर सकते हैं स्टाइल को यूज करके, अब हम इसको सेट कैसे करेंगे इसमें, अब वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं ऊपर चलता हूँ, टारगेट करना सेम ही रहेगा, यहाँ से मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे ऊपर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं बताऊंगा स्टाइल, अब स्टाइल में मैंने कौन सी वैल्यू सेट करनी है। अभी देखें यहाँ पे स्टाइल में हमारे पास क्या है, बॉर्डर सेट है, तो मैंने बॉर्डर ही सेट करना है, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर ही सेट करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर। अब बॉर्डर के बाद यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा के यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने क्या इसमें वैल्यू सेट करनी है। जैसा कि यहाँ पे देखें, मैंने इसमें 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर सेट किया हुआ है पहले से, लेकिन अब मैं डॉम के जरिए सेट करूंगा इसको, मैं बढ़ा देता हूँ जैसे कि 5 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड, इसको 5 गुना मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको एंड पे सेमी कोलन लगा दूंगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगी, ये वाली लाइन क्या करेगी, ये इसमें हेडर में बॉर्डर सेट कर देगी। तो ये वाली लाइन जो क्या करेगी, हमें बॉर्डर जो सेट हुआ है वो हमें कंसोल में प्रिंट करेगी। अब हम दोनों फाइलों को सेव करके चेक करते हैं कि इस पे बॉर्डर अभी लगा है या नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें डॉम के जरिए हमने यहाँ पे 5 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया, और यहाँ पे देखें हमें कंसोल में भी वो प्रिंट करके बता रहा है कि आपने डॉम के जरिए 5 पिक्सल का रेड कलर का बॉर्डर सेट कर दिया। अब ऐसे ही अगर कोई और सेट करना चाहते हैं, फर्ज करें मैं डॉम के अंदर, अब यहाँ पे देखें ये तो था पहले वैल्यू सेट थी, मैंने उसको चेंज करना बताया, लेकिन अगर हमने कोई न्यू वैल्यू खुद से ऐड करनी है, जैसे कि हमने डॉम के जरिए बैकग्राउंड पे कलर सेट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए जनाब मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक बार मैं यहाँ पे सारा रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड हाइफन।
अब देखें CSS में हम ऐसे देते हैं हाइफन कलर ऐसे देते हैं, लेकिन अब हम जो है वो जावास्क्रिप्ट के जरिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा हाइफन नहीं लगाना है, हाइफन के बाद जो भी पहला लेटर आ रहा होगा ना, जैसे कि सी आ रहा है, इसको आपने कैपिटल कर देना है, बस इतना करना है। बैकग्राउंड कलर अब जहाँ पे इक्वल टू लगा के डबल कोट्स के अंदर आप जो बैकग्राउंड पे कलर सेट करना चाहते हैं वो देंगे, जैसा कि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे कलर सेट कर देता हूँ, कोई भी कर देता हूँ, जैसे कि ग्रीन कर दिया मैंने, सेव किया। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखते हैं हम यहाँ पे ग्रीन कलर सेट होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, अब बैकग्राउंड पे हमने जो कलर जो है वह सेट कर लिया है डॉम के मेथड के जरिए, ठीक है। तो ऐसे आप कोई और वैल्यू भी सेट कर सकते हैं इस स्टाइल के जरिए, स्टाइल जो हमारे पास मेथड आता है उसके जरिए। अब ये तो था पहला। अब एक चीज आपने नोट करनी है, जैसे कि मैंने बताया अगर हाइफन आ रही हो तो हाइफन के बाद पहला जो लेटर होगा वो आपने कैपिटल डाल देना है, ठीक है। ऐसे हाइफन आप अगर आप डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अब दूसरा, ये तो एक मैंने चेंज की, लेकिन मैं एक और करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास व्हाइट आ रहा है, मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी यहाँ पे मैंने एलिमेंट नहीं लिखना, ये जो मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट में हमने सेव नहीं करना, क्योंकि एलिमेंट में हम कंसोल में नीचे प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये तो हम उसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, अभी भी इसमें सेट ही है। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइल में एक और जो है वो सेट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो भी आप ऐसे ही करेंगे, सेम इसी लाइन को नीचे कॉपी कर लें, और यहाँ पे अब दूसरी प्रॉपर्टी का आप नेम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कलर कोई सेट नहीं किया, ठीक है, कलर नहीं सेट किया। अब यहाँ पे मैं कलर भी सेट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल डॉट, यहाँ पे मैं कलर में बता देता हूँ कि कलर हो जाए जैसे कि ब्लैक, ब्लैक कर दिए मैंने, ठीक है। अब दो मैंने कर दिए अप्लाई, इसमें रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो अभी देखे इसमें अप्लाई नहीं हुआ, देखते हैं क्या मसला है, हमने मिस्टेक कर दी है कोई, तो देखते हैं यहाँ पे, इस चलते हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो यहाँ पे देखें हेडर, दरअसल कलर इसलिए सेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखें जो हमने इसके CSS की स्टाइलिंग की है ना, तो यहाँ पे हेडर पे हमने एक कलर सेट कर रखा है पहले से। यहाँ पे देखें हेडर के अंदर जो H1 आ रही है उसका कलर जो है वो व्हाइट, इस वजह से वो उसको चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि हम ID की बेस पे ही टारगेट कर रहे हैं, हम कोई और इसकी जो है वो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास CSS में, हम उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे कोई और कर लेता हूँ, स्टाइल डार्ट, जैसे कि फॉन्ट साइज होती है हमारे पास फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज मैं आपको बढ़ा के देखता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 20 पिक्सल, सेव करके देखते हैं कि अभी ये अप्लाई हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें फॉन्ट साइज बढ़ चुका है, तो वो कलर इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि हम ID की बेस पे ही टारगेट कर रहे थे उसको, तो ID में पहले ही कलर व्हाइट सेट था जिस वजह से वो ब्लैक नहीं कर रहा था। तो ऐसे आप एक से ज्यादा अगर चाहें तो ऐसे आप जो है वो इसमें स्टाइल को यूज करके, स्टाइल मेथड को यूज करके आप ऐसे जो है वो करते जा सकते हैं, जितनी मर्जी आप प्रॉपर्टीज ऐड करते जाएं। तो नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास जो डोम का CSS स्टाइलिंग का मेथड है उसमें आता है हमारे पास क्लास नेम। अब क्लास नेम को यूज करके हम जो है वो कोई क्लास न्यू इंसर्ट कर सकते हैं डोम की मदद से, तो वो कैसे कर सकते हैं चलिए अब उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें फ्रेंड मेरे पास जो है वो ID जो हेडर लगी हुई है ना स्लीव पे, यहाँ पे देखें कोई क्लास नहीं लगी हुई। अब यहाँ से मैं डॉम को यूज करके यहाँ पे एक क्लास इंसर्ट करना सीखते हैं हम क्लास नेम को यूज करके, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए एक बार मैं ये वाली लाइन डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अब ये सारी लाइन मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब टारगेट करने के बाद यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से ID को टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा क्लास नेम, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास नेम। अब क्लास नेम जो भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा दो ब्रैकेटों के अंदर डबल कोट्स के अंदर, जो मैंने न्यू क्लास इंसर्ट करनी है वो इंसर्ट कहाँ पे होगी, हेडर के अंदर इंसर्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई एक क्लास लिख देता हूँ, जैसे कि कोई भी ले ले, ABC ले लेता हूँ मैं, ABC क्लास मैंने जो है वो यहाँ से इंसर्ट करनी है। अब यहाँ से कंसोल पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से प्रिंटिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैं ये सारी लाइन डिलीट करके अब यहाँ पे डॉट क्लास नेम करके देखता हूँ कि हमारे पास इस हेडर में कितनी क्लासेस जो है वो आ रही है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए अगर ऐसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्लास एड हुई है या नहीं, तो इसका हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास ABC की क्लास है अगर तो ये एड होगी तो मैं कुछ CSS लिख देता हूँ तो वो CSS अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने, और यहाँ पे मैं CSS में चलता हूँ, तो हेडर के अंदर ही इंसर्ट कर रहे हैं हम, तो हेडर के अंदर चलते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए जनाब देखें हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे हेडर के अंदर बैकग्राउंड में एक कलर सेट है जो कि है टील। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ,
मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले चले मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ऊपर ही, इसके बाद यहाँ पे मैं एक जो हमारे पास एबीसी की क्लास हमने इंसर्ट करनी है ना, ये मैं उसमें डाल देता हूँ बैकग्राउंड पे कलर। अभी सेव करता हूँ, अभी देखें हेडर में कोई कलर सेट नहीं है, एबीसी भी हमने सेट कर दिया। अभी मैं इस लाइन को भी कमिट कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है कंट्रोल के सी से सेव करके। अभी आपको मैं वैसे ही चेक करवाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखें इसमें जो बाय डिफॉल्ट कलर है ना जो सेट किया हुआ बैकग्राउंड पे वही आ रहा है। अभी कोई सेट नहीं है कलर, क्योंकि हमने इसका जो कलर जिसमें सेट किया हुआ था वो रिमूव कर दिया। अब हम क्लास न्यू इंसर्ट करेंगे। क्लास न्यू इंसर्ट कब होगी? जब एबीसी, ये ऐसे हमने जो है वो क्लास नेम के मेथड को यूज करके न्यू क्लास में एबीसी इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें। अब एबीसी पे हमने बैकग्राउंड पे वो कलर सेट कर दिया। अब देखते हैं कि ये ऐसे होती है या नहीं हमारे पास। रिफ्रेश करता हूँ तो वहां यहाँ पे देखें एक एरर आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेक्टर डॉट क्लास नेम इज नॉट ए फंक्शन। देख लेते हैं कि यहाँ पे सॉरी, हमने यहाँ वो कह रहा है कि क्लास नेम एक फंक्शन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। तो यहाँ पे हमने जो क्लास नेम असाइन करना वो इक्वल टू लगा के देना है, इक्वल टू लगा के यहाँ पे ए बी सी। चलिए अब ऐसे जो है वो हमने न्यू क्लास इंसर्ट करनी है। अब दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसको, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे देखे बैकग्राउंड पे वो कलर जो है वो सेट हो चुका है जो हमने एबीसी क्लास में सेट किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ये मैंने किया क्या है। यहाँ पे देखे एबीसी में मैंने कलर सेट कर रखा है, ठीक है, जो कि क्लास जो है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं डोम के मेथड के जरिए, ठीक है, क्लास नेम के जरिए हम न्यू क्लास इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप न्यू क्लास भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा क्लासेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं स्पेस देके एक एक्स वाई जी की क्लास एक और इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स वाई जी पे भी मैं कुछ सीसीएस कर देता हूँ यहाँ पे एबीसी के बाद। यहाँ पे मैं डॉट एक्स वाई जेड जो हमारे पास क्लास बनेगी डायनेमिक, उस पर भी मैं कोई बैकग्राउंड पे कलर लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि क्लास हमारी बन भी रही है ये नहीं। तो यहाँ पे मैं कलर कोई और कर देता हूँ, जैसे कि ये ब्राउन कर देते हैं कलर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ऐसे दो क्लासेस होंगी ना आपके पास, तो जो सी एस एस अप्लाई होगी वो सेकंड वाले भी होगी, ठीक है, पहले वाले की सी एस एस को ये ओवरराइड कर देगी। अब यहाँ पे पहले हमने जो है वो टील कलर सेट किया हुआ है एबीसी में, अब हमने एक्स वाई जेड एक और क्लास इंसर्ट कर दी, तो एक्स वाई जेड पे हमने जो कलर दिया है वो हमें नजर आएगा। अब चेक करते हैं कि ये इंसर्ट हो भी रही है या नहीं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ब्राउन कलर जो है वो इस पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ एलिमेंट में भी, यहाँ पे देखें अभी हमें कंसोल में भी बता रहा है कि एबीसी और एक्स वाई जेड दो क्लासेस हैं इस पे अप्लाई हुई। अगर आप इसको एलिमेंट में भी चेक करेंगे यहाँ पे देखें, तो एलिमेंट में भी आपको यहाँ पे हेडर के अंदर जो है वो कंटेनर के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें, ये देखें हेडर और यहाँ पे क्लास एबीसी और एक्स वाई जेड इंसर्ट हो चुकी हैं, दो नई क्लासेस लग चुकी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अभी मैं आपको दिखाता हूँ हेडर में हमने कोई क्लास दी ही नहीं। तो ये कैसे कर रहे हैं, हम डायनेमिक कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे और चलते हैं, यहाँ पे देखें हेडर के अंदर हमने कोई क्लास दी नहीं, तो ये हम क्या है डॉम के जो हमारे पास सीएसएस के स्टाइलिंग मेथड आते हैं क्लास नेम के जरिए जो है वो हम कर रहे हैं। ऐसे या फ्रेंड इस मेथड के जरिए क्लास नेम के जरिए आप कोई भी क्लास जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं जितनी मर्जी, एक दो तीन चार आप ऐसे लिखते जाएं, आप जितनी मर्जी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास जो डोम का सीएसएस का स्टाइलिंग मेथड है ना वो है क्लास लिस्ट। क्लास नेम और क्लास लिस्ट में थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास नेम की बजाय यहाँ पे मैं इतना ही करूंगा बस, क्लास लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे मैं क्लास लिस्ट। अब मैंने यहाँ पे क्लास लिस्ट ही कर दिया, अब यहाँ पे क्लास नेम ही रहने देता हूँ जो कि कंसोल में प्रिंट करना है हमने। तो देखते हैं कि अब क्लास लिस्ट करने से हमारे हमें क्या जो है वो चेंजेस हुई है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें रिफ्रेश किया, अभी भी हमारा सारा कुछ अभी भी वर्किंग ही में ही है। तो मैं यहाँ पे कंसोल में चलता हूँ तो यहाँ पे कंसोल में देखें तो इसने ए बी सी और एक्स वाई जेड ऐसे हमें जो प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि हमने कंसोल में जो प्रिंटिंग करवाई है ना वो क्लास नेम से करवाई है। तो क्लास नेम क्या करती है, सभी को एक वर्ड बना के एक स्ट्रिंग बना के आपको जो है वो रिटर्न करती है अगर आप क्लास नेम को यूज करते हैं। लेकिन क्लास लिस्ट क्या करती है, आपको एरे की फॉर्म में रिटर्न करती है। अब यहाँ पे कंसोल में मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं क्लास लिस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि हमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब कंसोल में देखें उसने हमें जो है वो एक लिस्ट दी है जितनी क्लासेस जो है वो लगी हुई है। देखें एबीसी का इंडेक्स 0 है, एक्स वाई जेड का इंडेक्स जो है हमारे पास 1 है। तो यही इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास क्लास लिस्ट है ना, इसके भी आगे फर्दर जो है हमारे पास मेथड्स आते हैं, कुछ फंक्शंस आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक दो बता दूंगा वैसे इसमें कौन से आते हैं।
इस क्लास में इसको जो है ना मेथड कह लें आप, उनको यूज करके आप जो है वो नई क्लास भी इंसर्ट कर सकते हैं और जो क्लासेस बनी हुई हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए अब उनको देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम अगर क्लास लिस्ट का हमने मेथड जो यूज करने हैं उनको यूज करके हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं न्यू क्लास। तो उसके लिए बस थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे मैं करूंगा क्लास लिस्ट डॉट एड, ये करूंगा, और एड के बाद यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर बता दूंगा कौन सी क्लास मैंने इंसर्ट करनी है, जैसे कि एबीसी इंसर्ट करनी है। तो ये इंसर्ट हो जाएगी। सेव करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखें एबीसी पे हमने वही जो बैकग्राउंड पे टील कलर लगाया तो वो देखें अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं एक्स वाई जेड इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, देखें एक्स वाई जेड इंसर्ट किया तो एक्स वाई जेड पे हमने जो कलर सेट किया हुआ वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें वो कलर अप्लाई हो चुका है, इसका मतलब कि वो क्लास भी इंसर्ट हो रही है एड फंक्शन से। ठीक है, अगर आप दो करना चाहते हैं यहाँ पे देखें, अगर आप दोनों ही करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एबीसी यहाँ पे देता हूँ, कोमा लगा के यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं अब दूसरी दे दूंगा एक्स वाई जेड। तो ये दो क्लासेज इकट्ठी भी आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखें तो मैंने बताया था आपको जो आपकी सेकंड नंबर पे क्लास होगी उसकी ही सीएसएस जो है वो आपको नजर आएगी, पहले वाली को दूसरी वाली ओवरराइट कर देती है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक्स वाई जेड में हमने जो कलर सेट किया है वही हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे आप जो क्लास लिस्ट का मेथड है ना इसको एड को यूज करके ऐसे आप जो है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है उसको यूज करके आप क्लासेस को रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए अब उसको देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अपने, और यही जो क्लासेस है ना यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलते हैं जनाब, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ क्लासेस लिख देता हूँ। मैंने लिखा क्लास, और यहाँ पे पहली हमारे पास है एबीसी, दूसरी हमारे पास है एक्स वाई जेड क्लास। ये दोनों क्लासेस मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, और अभी मैं यहाँ से एक बार ये लाइन कमिट कर देता हूँ। मैंने कमिट कर दी, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे ब्राउजर में चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखें अभी भी हमारे पास ब्राउन कलर ही है। हमने किया क्या है, ये दोनों क्लासेस उधर फिक्स कर दी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दी, तो एक्स वाई जेड की सीएसएस जो हमें मिल रही है। अब यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड को रिमूव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको कैसे करूंगा, इसको मान कमिट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखना क्या है, यहाँ पे एड की बजाय मैंने यहाँ पे कर देना है डॉट, यहाँ पे मैंने कर देना है रिमूव। रिमूव करके यहाँ पे मैंने बताना है डबल कोट्स के अंदर कि मैंने कौन सी क्लास को रिमूव करना है। अगर होगी तो ये कर देगा, नहीं तो आपको एरर आएगा। मैं एक्स वाई जेड को रिमूव करता हूँ। अब जैसे ही मैं एक्स वाई जेड को अगर रिमूव करूंगा तो ये हमारे पास जो ब्राउन कलर एक्स वाई जेड में है ये डिलीट होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ये होता है या नहीं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने जो ब्राउन कलर एक्स वाई जेड में सेट किया हुआ था वो यहाँ से हट गया है, और जो हमारा एबीसी में कलर सेट किया वो हमें नजर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिमूव फंक्शन है ना इसने हमारी एक्स वाई जेड की क्लास जो है वो यहाँ से रिमूव कर दी है, जैसे ही हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लास मौजूद है, लेकिन हमें वहां पे ब्राउजर में हमें ये क्लास नजर नहीं आ रही। तो ये थे हमारे पास फ्रेंड डॉम के सीएसएस के कुछ स्टाइलिंग मेथड, जिसमें हमने देखा स्टाइल, क्लास नेम और क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट के फर्दर आगे जो है वो कुछ फंक्शन मेथड वगैरह हैं जो कि हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।